दिल्ली के अलावा अब उत्तर प्रदेश के कई शहरों की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 420 पहुंच गया, जो खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। प्रदूषण की वजह से लखनऊ में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कानपुर है, दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसके अलावा गाजियाबाद का AQI 377 और नोएडा का 360 है। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली का प्रदूषण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। शुक्रवार को यहां हवा की गति और पैटर्न में हुए बदलाव के कारण दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबसाइट के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली के प्रमुख 16 इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं अन्य इलाकों का AQI भी 300 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हवाओं की गति काफी कम रहेगी, इसकी वजह से शनिवार रविवार को प्रदूषण फिर से बढ़ेगा। 6 दिसंबर के बाद हवाओं की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदूषण से कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। आंदोलन के बीच दिल्ली आने जाने वालों के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वरदान साबित हो रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली नहीं आ रही गाड़ियों को डाइवर्ट करके राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाना था, लेकिन किसान आंदोलन के बीच ये दोनों सड़कें दिल्ली NCR आने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन का काम कर रही हैं। दोनों एक्सप्रेसवे को फिलहाल किसानों ने ब्लॉक नहीं किया है। इन सबके बीच दिल्ली लखनऊ जैसे कई बड़े शहरों के लोग दूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।